नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक सिंह पुलिस और आज आपका वेलकम करता हूँ VST ब्लॉग में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो, मेरे पास इग्निस कार है, नेक्सा की। और दोस्तों, इस गाड़ी का मैंने रिव्यू भी किया हुआ है। आप चाहें तो जाके मेरे YouTube चैनल में मेरी कार की वीडियो भी देख सकते हैं, रिव्यू वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। और ये बेसिकली ऑनरशिप रिव्यू है, तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और दोस्तों, अब मैं बेसिकली ये जो आज का वीडियो बनाने का जो कारण था, मेरी कार में एक्चुअली डेंट लग गया है गाड़ी में। अब दोस्तों, असल में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे हमारी कई बार गाड़ी में डेंट लग जाता है या कोई भी ऐसे मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमें मतलब ये है कि दिल को बहुत चोट तो लगती है, नो डाउट। किसी की भी गाड़ी हो, चाहे कोई भी कार हो, हर एक इंसान उसको बहुत प्यार से रखता है। पर क्या होता है कि गाड़ी में जब कुछ भी इस टाइप से कुछ मिस हैपनिंग होती है, तो हमारा ये रहता है कि फटाफट जल्दी से क्या हमें अपनी गाड़ी का जो डेंट है वो ठीक करवाना है, या कोई भी उस पर स्क्रैचेज आ गए तो ठीक करवाना है। तो कई बार क्या करते हैं हम जल्दबाजी में जो होते हैं हमें जो भी पर्सन मिल जाता है स्टार्टिंग में, हम उससे अपने गाड़ी का जो रिपेयरिंग करवा लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि कितना ज़्यादा खर्चा आ रहा है, हम एक दो जगह से और कंपेयर कर लेते हैं, पर उसमें कभी कभी जल्दी में ऐसा भी हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बेसिकली आप देख सकते हैं मेरी ये गाड़ी में डेंट लगा हुआ है, ये देख सकते हैं दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर की हिट हुई है। असल में क्या हुआ कि दोस्तों, मैंने जैसे कि होता ही है हम अक्सर लड़कों में कि कई बार क्या होता है, फ्रेंड्स लोग मांग लेते हैं गाड़ी कि भाई ज़रा दे दे, आप मना भी नहीं कर सकते। तो असल में क्या थी, मैंने अपनी गाड़ी कहीं एक जगह खड़ी कर रखी थी, तो मेरे फ्रेंड को कुछ काम था तो उसे जाना था ज़रूरी काम से कुछ, तो फिर उसने मुझे बोला भाई मुझे गाड़ी दे दे। वैसे चलाता तो अच्छी है वो गाड़ी, बट वो क्या हुआ, वो पोल के पास में गाड़ी खड़ी थी, तो राइट हैंड साइड को वो गाड़ी को मोड़ने लगा। अब गाड़ी को मोड़ते मोड़ते तो राइट हैंड साइड में रोड पे ही नज़र थी, तो बगल में जो पोल था आधा तो उसने मतलब ये जो है यहाँ तक दरवाजे तक तो उसने स्टार्टिंग के दरवाजे तक क्रॉस कर लिया था पोल। पर जैसे ही वो अचानक से कोई एक गाड़ी वाला आ गया मुँह के आगे, तो उसे बचाने के चक्कर में उसने पोल से हिट कर दी हल्की सी। और जो हिट था दोस्तों बहुत ही हल्का था, देखने में आप तो लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा स्क्रैच है, स्क्रैच ये जो डेंट तो अच्छा खासा लग गया। बट क्या हुआ दोस्तों कि ये डेंट इतना ज़्यादा जोर के वैसे हिट हुआ नहीं था। इवन उस टाइम पे जो मैं भी वहीं थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ था, बट उस टाइम मैंने भी नोटिस किया इतना ज़्यादा जोर के तो हिट हुआ ही नहीं थी गाड़ी। पर देख सकते हैं आप इसकी बिल्ट क्वालिटी जो है इग्निस की, कितनी यार मारुति ने कितनी थकी हुई बिल्ट क्वालिटी बनाई है कि हल्का सा टच होते ही पोल से काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच आ गए। आप देख सकते हैं जैसे कि इसका डोर जो है कितना ज़्यादा मतलब बीच में कितना ज़्यादा गैप आ गया, और ऐसा लग रहा है कितनी ही ज़्यादा स्पीड से गाड़ी ज़्यादा चल रही होगी और कितनी ज़ोर के हिट हुई होगी ऐसा लग रहा है देखने में। बल्कि मेरे आंखों के सामने की सिचुएशन है, बिल्कुल हल्का सा टच हुआ था और देखो आप कितना ज़्यादा मतलब बिल्ट क्वालिटी देख सकते हैं आप, अच्छी नहीं है। मतलब गाड़ी तो नो डाउट बहुत ही अच्छी गाड़ी है, परफॉर्मेंस अच्छा है, माइलेज अच्छा है, कंफर्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट ये बिल्ट क्वालिटी में कहीं ना कहीं मात करती है। अब दोस्तों, अब हम अपने विषय पे आते हैं, हम जो बात कर रहे थे कि दोस्तों मैंने दो तीन जगह से कंपेयर किया, कहीं कहीं जगह पे तो मुझे ये भी बताया गया कि इसको रिपेयर करने का खर्चा 12,000 के आसपास तक आ जाएगा। 12,000 तो, और फिर इंश्योरेंस क्लेम करूँगा तो आधा पैसा वापस मेरे को मिल जाएगा। पर दोस्तों, फिर एक दो जगह मैंने और पता किया, तो वहाँ पे एक जगह तो मुझे 6,000 तक भी बताया गया था, और एक जो भैया मुझे लास्ट में मिले, इनको मैं वैसे बहुत पहले से जानता हूँ, इससे पहले मेरे पास ऑल्टो हुआ करती थी, तो मैंने अपनी ऑल्टो को भी रिपेयर करवाया था इनसे, तो उस टाइम भी इन्होंने जो इनके जो वैसे खर्चे वो जो एक्स जितना ये चार्ज लेते हैं तो बहुत रीज़नेबल इनका चार्जेस रहते हैं। तो आइए मैं आज आपको इनसे मिलवाऊंगा। अगर दोस्तों आप लोग भी देहरादून में रहते हैं, देहरादून सिटी में रहते हैं, और अपनी गाड़ी का कोई भी काम आप बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में करवाना चाहते हैं,
तो आप इनसे करवा सकते हैं। और मेरी वीडियो में आप, मैं बेसिकली इनका जो जो भी लोकेशन है और इनका जो बोर्ड है, इवन इनका जो नंबर भी है, मैं सब कुछ मेंशन कर दूंगा। आप वीडियो के बीच में जाके पॉज करके वो सारा डिटेल देख सकते हैं। इवन कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में भी हो सके तो उसके में भी डाल दूंगा। और दोस्तों बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस इन्होंने मुझसे मांगा कि इतने प्राइस में मैं आपकी गाड़ी ठीक कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं इतना कम पैसा लग रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि इंश्योरेंस पे भी अगर मैं क्लेम करके कराता हूँ तो भी कहीं ना कहीं वो डबल ही पड़ रहा था इससे। तो वो मुझसे बहुत ही जायज़ पैसे मांग रहे थे, तो मुझे लगा करवाना चाहिए। तो दोस्तों मैं ये करवा रहा हूँ गाड़ी को रिपेयर, और साथ के साथ मैं चाहता हूँ कि जो मेरी VSP फैमिली है, मेरे जो देहरादून के स्पेशली लोकल लोग हैं, और बाकी जो अगर कोई बाहर का भी पर्सन हो वो भी इनके पास आ सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब मेरे को इतना कम प्राइस में इतना हो रहा है, तो क्यों ना मेरी और जो लोग हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो दोस्तों चलिए मैं ले चलता हूँ आपको उनके पास। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं भैया के पास जा रहा हूँ, और ये भैया जो हैं बिल्कुल, मतलब ये है कि आप किसी कहीं भी जगह से कंपेयर करेंगे, मतलब आप प्राइस वाइज जो है आपको किसी भी जगह से कंपेयर करेंगे आपको कम ही लगेगा। और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं दून मोटर्स में मैं आ चुका हूँ। दोस्तों ये जो इनकी वर्कशॉप है, ये यहाँ पे लक्ष्मण सिद्ध, जो जो मेरे दोस्त लोग देहरादून से बिलोंग करते हैं उनको आई होप आइडिया होगा लक्ष्मण सिद्ध कौन सी जगह है। लक्ष्मण सिद्ध के बगल में जो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के बिल्कुल ही बगल में इनका बोर्ड लगा हुआ है दून मोटर्स का। और इनका जो प्राइस रहते हैं दोस्तों, प्राइस जो है इनके एकदम इकोनॉमिकल रहते हैं। इससे पहले मैंने, मेरे पास ऑल्टो कार हुआ करती थी दोस्तों, और ऑल्टो कार का भी मैंने इन्हीं से रिपेयर करवाता था, इवन सर्विस भी इन्हीं से ही करवाता था, और बिल्कुल इकोनॉमिकल चार्जेस लेते थे ये। अब तो दोस्तों मैंने ऑल्टो कार बेच दी है, और उसमें जो क्लच के जो क्लच प्लेट्स का जो काम होता है से लेके सर्विस का, और जो भी स्क्रैचेस वगैरह, सब भैया ही काम करते थे। तो थोड़ा सा भैया का इंट्रो मैं आपसे करवा देता हूँ। भैया सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम देवेश है। अच्छा अच्छा देवेश जी, आप ये काम कब से कर रहे हैं? मेरे को 6 साल हो गए। अच्छा 6 साल हो गए। अच्छा तो देवेश भाई, आप ना प्लीज़ जो जो हमारे दोस्त लोग हैं यूट्यूब में व्यूअर्स, उनको आप प्लीज़ ये बताइए कि मतलब आपका जो है सर्विस चार्ज कितना रहता है, जैसे ऑल्टो हो गई, स्विफ्ट हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, इन गाड़ियों का। स्विफ्ट का भैया सर्विस चार्ज अराउंड ऐसे जाता है 3,350 रुपये, और स्कॉर्पियो का 4,500-5,000 रुपये। अच्छा अच्छा भैया, थोड़ा थोड़ा मोटा सा आइडिया दे दोगे आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ऑल्टो सर्विस करवा रहे हैं, या स्विफ्ट करवा रहे हैं, या स्कॉर्पियो, कोई भी गाड़ी सर्विस करा रहे हैं, तो उसमें इंजन ऑयल कितने का होता है, उसमें लेबर चार्ज कितने का होता है, ऑयल फिल्टर एंड एयर फिल्टर? हाँ जी, इंजन ऑयल आपका, अगर आप कैस्ट्रोल डलवाते हो, कैस्ट्रोल का इंजन ऑयल आपका 1600 रुपये का आता है, 1600-1700 रुपये का। ऑयल फिल्टर आता है आपका 100 रुपये का। एयर फिल्टर आता है 270 रुपये का। कूलेंट, 2 लीटर कूलेंट डलता है, वो आता है आपको 450 रुपये का। और आपका गेयर ऑयल आता है, 190 रुपये का। वॉशिंग होती है, उसके बाद हमारी लेबर होती है, तो अराउंड वो 3200-3400 रुपये के आसपास आ जाता है। और छोटा मोटा और कोई सामान डलता है तो एडिशनल होता है। और ऐड करना चाहूँगा, जो हमारे जो भाई हैं देवेश भाई, देवेश भाई को आप हल्के में मत लेना। भैया ने संत कबीर अकेडमी से PCM में प्लस टू की हुई है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो मतलब जो कहा जाए साइंस के स्टूडेंट हैं। तो आप मत ये मत सोचिएगा कि इनकी क्वालिफिकेशन कम होगी। तो क्वालिफिकेशन के साथ साथ आप देख सकते हैं कितने स्टाइलिश भी हैं, और जैसे ईयरबड्स का यूज़ कर रहे हैं। तो जनरली क्या होता है, हम जैसे मैकेनिक लोग से जैसे मिलते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे कम होंगे, बट भैया की क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छी है। और साथ के साथ जो है इनका जो है, थोड़ा सा मैं एक चीज़ और भैया से पूछना चाहूँगा, देवेश चाह रहा था कि जैसे डेंटिंग और पेंटिंग का, उसका क्या चार्जेस होता है, मतलब आपका डेंटिंग सॉरी इंटरप्ट करने के लिए भैया, थोड़ा सा ये जानना चाहूँ, जैसे आप अभी तो फिलहाल और कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही डेंटिंग पेंटिंग की, तो अब जैसे मेरी ये दिखाई दे रही है इग्निस, तो इसमें आप देख सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ा हुआ है, और
डेंट भी अच्छा खासा है। तो भैया इसका मतलब क्या सा, क्या हिसाब किताब रहता है इसके बारे में बताइए कुछ। इसका भैया 1600 से 1800 रुपये पीस का रेट होता है हमारा, एक पीस का 1600 से 1800 रुपये तक होता है। और बाकी अगर ज़्यादा डैमेज होता है तो वो 2000-2200 रुपये भी जाता है। पर ये है कि अकॉर्डिंगली पेंट के हिसाब से हम रेट तय करते हैं। ये आपका मेटेलिक पेंट है, ऊपर से ये थ्री कोट का पेंट है। अच्छा, सिंपल पेंट होता है वो सस्ता होता है, ये मेटेलिक में भी 3 कोट का पेंट है, पल वाइट है ये। अच्छा। तो इसलिए ये महंगा जाता है थोड़ा सा। अच्छा 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 भैया, ये चीज़ जानना चाह रहा था, चलो पेंट का तो आपने मुझे बता दिया, अब पेंट के साथ साथ कुछ इसका ये जो डेंटिंग का क्या होता है, डेंटिंग का क्या हिसाब होता है, मतलब क्या कॉस्ट वाइज होता है? ये कंप्लीट होता है डेंट पेंट का 1600 से 1800 रुपये टोटल हम आपको कंप्लीट करके देते हैं। एक पीस, जैसे एक दरवाजा एक पीस होता है, ये 1600 से 1800 रुपये में पूरा पीस आपका तैयार करके देंगे। हाय दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी में दोस्तों डेंट और पेंटिंग का काम पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों वैसे तो मेरा मन बहुत था कि जो कंप्लीट इसकी जो वीडियो का जो एंड है वो वहीं वर्कशॉप में किया जाए, बट दोस्तों ये हो नहीं सका क्योंकि क्या था कि देवेश भैया से मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी। वैसे तो उन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम मांगा था, बट उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगने के बाद भी मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे उन्होंने बोला कि चलो कोशिश करूँगा अगर पूरे दिन में अगर काम हो सके। तो भैया ने पूरी रात भर काम किया इस गाड़ी के ऊपर, और दोस्तों गाड़ी में काम पूरी रात और नेक्स्ट डे भी उन्होंने किया, और मतलब ये लगा लो रात के 8-9 बजे के अराउंड सारा का सारा काम कम्प्लीट हो चुका था। तो वो काफ़ी अंधेरा होने के कारण उस टाइम मैंने ये वीडियो का एंड वहाँ पर नहीं बना पाया वर्कशॉप पर। तो दोस्तों ये वीडियो का एंड मैं घर पर ही कर रहा हूँ। तो देख, आप जैसे देख सकते हैं डेंटिंग और पेंटिंग का काम बहुत ही अच्छा किया है दिवेश भैया ने, बहुत ही अच्छे से जो कलर मैच करवाया है। और आपको पता, जैसे कि पता ही है कि इसमें जो डेंट था काफ़ी गहरा था। और अब जहाँ तक की बात की जाए प्राइस की, प्राइस दिवेश भैया ने मुझसे सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपीज़ चार्ज किया है, जो कि मैंने उन्हें गूगल पे के थ्रू पे किया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ही जायज़ पैसे लिए हैं देवेश भैया ने मुझसे। और मैं यही चाहता हूं कि मेरे VSP ब्लॉग की पूरी जो फैमिली है और जो वो लोग भी इसका बेनिफिट उठाएं। इन अगर आप लोग दोस्तों उत्तराखंड से या देहरादून से या इवन उत्तराखंड से बाहर से भी कहीं से बिलोंग करते हैं और अपनी गाड़ी का कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप देवेश भैया से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उनका जो वर्कशॉप का एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा दोस्तों, आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, इवन एड्रेस भी मेंशन कर दूंगा। और दोस्तों देखिए, दुनिया में पैसा कमाने के दोस्तों कई तरीके हैं, पर जो लोग जायज़ पैसे लेते हैं तो नो डाउट उनका बिज़नेस ज़्यादा अच्छे से फलता फूलता है और लोगों की दुआएँ भी उन्हें मिलती है। दोस्तों मैं देवेश भैया के अलावा कई लोगों के पास गया इस अपने डेंट, अपनी गाड़ी के डेंट को लेके कि कितने में रिपेयर होगा। तो इवन मेरा दोस्त तो खुद नेक्सा में जॉब करता है, उसने मुझे बोला तेरा जो पीछे का डोर है पूरा का पूरा चेंज होगा और इसमें वो टोटल जो खर्चा आएगा तेरा 12,000 का आएगा और इंश्योरेंस कवरेज में तेरे को 6,000 रिफंड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मतलब मुझे टोटल 6,000 का पड़ रहा था। और इसके अलावा मैं एक 2 पर्सन के पास और गया, एक ने मुझे 8,000 चार्ज बताया और एक ने 6,000 रुपये। और एट द एंड मैंने देवेश भैया से ही काम करवाया क्योंकि उन्होंने मुझसे बहुत जायज़ पैसे सही पैसे मांगे। और दोस्तों आप भी अगर कभी डेंटिंग पेंटिंग का काम कराना चाहते हैं तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं यही चाहता हूं कि दोस्तों जो बेनिफिट मुझे मिला वो आपको भी मिले, फ़ायदा मिले। और देहरादून उत्तराखंड में मुझे तो ऐसा लगा कि सबसे जो जायज़ जो प्राइस है उन्हीं का ही रहता है, देवेश भैया का। और दोस्तों आप भी इसका फ़ायदा उठाएं। और दोस्तों ये इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ, और एंड करते करते आपको कहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और कमेंट कीजिए। और अगर मेरे जब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो अगर मैं मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ आप बताइए क्या मिस्टेक हुई है मुझसे। बाकी दोस्तों कोई गलती हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। साइनिंग ऑफ VSP ब्लॉग्स, बाय बाय, टेक केयर।